नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी का स्वागत है। जैसा कि आज GIC लेक्चर का जो पेपर हुआ है सिविक्स, उसकी हम लोग आंसर की देखेंगे पूरा का पूरा, एक बिल्कुल एकदम करेक्ट 100%। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास सीरीज है वो है सीरीज सी, ठीक है। आप लोगों के पास जो भी होगा, आप लोग आंसर जो है आप लोग फटाफट इसमें मिलाते चलिएगा। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये जो मांडी है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, बाकी हुलास, देवलपुर, आलमगीरपुर ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कन्नौज पर जब महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का शासक जो है कौन थे, वो राज्यपाल था, वहाँ का शासक था। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो सीमेंट भी होता है भाई, चीनी होता है, कपड़ा भी होता है, ऑटोमोबाइल जो है यहाँ का वो प्रमुख उद्योग नहीं है। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने मानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो वो खास करके जो है नसीरुद्दीन महमूद शाह जो है भाई होंगे। बाकी आप लोग भी चेक करिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? तो इसमें से चितरंजन दास, पीआर दास और M.K. गांधी हो जाएंगे, इन्होंने जो है प्रेरित किया था। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले जो अगली फसल की बुआई करना होता है वो क्या कहलाता है? तो रिले खेती कहलाता है, ठीक है। रिले खेती होती है जिसमें कि अगर जो अगली फसल काटना है उससे पहले ही इसमें बो दिया जाता है। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 165 के तहत राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती हो, चाहे जिस भी राज्य का हो। राज्य के नीति निर्धारकों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करे? तो 43A होता है। कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य की GDP के और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो नोएडा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकता है? तो 14 दिनों तक रोक सकता है। असमानता वायरस, एक वैश्विक रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित की गई थी, ऑक्सफैम के द्वारा प्रकाशित की गई थी। RBI द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के कारण जो है जुर्माना लगाया गया था? कुल 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया था। भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो SEBI के द्वारा किया जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? आलमगीर अकबर द्वितीय। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व उनमें से किसने किया था? तो खासी जो जनजाति थी इनका जो नेतृत्व किया था तिरोथ सिंह ने किया था। तीरथ सिंह कहीं कहीं नाम होता है, कहीं यहाँ पे तिरोथ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो असम में 6 राज्यसभा की सीटें बिल्कुल नहीं सही है। छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल में 3 होता है, उत्तर प्रदेश में 31 हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? तो सहरिया नहीं पाई जाती है, ये आपका ललितपुर में पाया जाता है। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष इनमें से कौन था? तो वो थे श्री रंगराजन महोदय, 12वें वित्त आयोग को। किसे उत्तर प्रदेश का फिराज हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। हड़प्पीय पुरास्थल है बनावली, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये रंगोई नदी पर स्थित है, ठीक है। ज़्यादातर घर लगाए हैं जो कि कालीबंगा पर है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो अंतिम मौर्य वंश का उल्लेख किया है, जिसका नाम था वेदत्त। सौर ऊर्जा का कारण क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन से जो है सौर ऊर्जा ये जो है आपकी निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये है जैता, ठीक है, दिए गए आपनों में से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? ये आपको जो लोबिया है, लोबिया जो है ये लवण सहिष्णु, ये लवण मृदा में भी ये बड़े आराम से होती है। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं केंद्रीय वित्तीय मंत्री। हाल ही में अभी 2 दिन पहले हुआ था बैठक। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो AG टांसले महोदय के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र इको सिस्टम की सबसे पहले अवधारणा दी गई थी। मौलिक कर्तव्यों को जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इनमें किसको सिफारिशों के ऊपर जोड़ा गया? तो सरदार फाउंडेशन समिति थी, इसके सिफारिश पर जोड़े गए थे। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भाग है? 7.33% है। 21-22 में जो संघीय बजट आया था उनमें 6 स्तंभ बताए गए थे, उनमें से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण इनमें से सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो ऊपरी क्षेत्र में, ठीक है, थोड़ा सा ऊपरी क्षेत्र होता है वहाँ पर उगाई जाती हैं। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो ये था
गोईपुरिया समिति इसका जो है यहाँ पर गठन किया गया था। तांबा आपका वाइपा में होता है, बाट फाइट फरवरी में होता है, फी का एक और डी का दो आप मिलाएंगे तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। सी का दो और डी का एक तो बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन फाइव सम्मिलित है? तो सम्मिलित नहीं है तो ये कुड़गी कर्नाटक में है, ये आपका सम्मिलित नहीं है। चलिए मयूर संरक्षण केंद्र ये आपका किस जनपद में स्थित या बन रहा है? तो ये मथुरा में बन रहा है, ठीक है। मथुरा में मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश में ही है। कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो ग्रामीण उद्योग ये इसका संगठक नहीं है, ठीक है। विलुप्त तो संख्या याद करनी थी तो यहाँ पे चार तीन 12, 2, 14, 9, 3, 27, 29, 26, 78, 280 ऐसे क्षेत्रीय 18, 20 हो जाएगा, तो 20 सही हो जाएगा। कौन सा देश भूमध्य रेखा से होकर भूमध्य रेखा पर नहीं है? तो जाम्बिया नहीं है। इनमें हम लोग देखेंगे अंगूर से शराब बनता है, दूध से मक्खन बनता है, पानी से ऑक्सीजन, मृत्यु से रोग, ये उल्टा हो गया है, रोग से मृत्यु होना चाहिए था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2016 में, ठीक है। तो ये रहा आपका जीएफ वाला पार्ट। आगे हम लोग देखेंगे सिविक्स वाला पार्ट, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 41 से 120 होंगे। बहुत ही अच्छा पेपर था। तो किस अनुच्छेद में एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो 21A जो कि 86वां संविधान 2002 के द्वारा ऐड किया गया था। किसने कहा कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है? तो ये कार्ल पॉपर, ठीक है। कार्ल पॉपर की एक पुस्तक का नाम है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ठीक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है। तो कार्ल पॉपर ने एफी में कहा था कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 61वां संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था। कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल, ये सभी हैं। यद भाव्यम ये नहीं है। बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी को कभी कभी क्या कहा जाता है? तो इसे स्वरों का सिद्धांत कहा गया है, इसका जो है आलोचना किया गया है। इस प्रकार फूकर दर्शन कहा जाता है। कौन सी एक अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है? तो अध्यक्षीय सरकार में क्या होता है? शक्तियों का पृथक्करण, जो विधायिका और न्यायपालिका और कार्यपालिका होती है उनके बीच में शक्तियों का पृथक्करण होता है, तो ये इसका खास लक्षण होता है। प्राकृतिक अवस्था का आशय क्या है सामाजिक समझौता में? तो राज्य के निर्माण के पूर्व में अवस्थाएं कैसी थीं ये बताता है। विधान परिषद का अभाव है तो इसमें बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना में है, उड़ीसा में नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, अनुच्छेद 263 में दिया गया है। भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, 1953 में बनाया गया था। स्थानीय प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। निम्न विचारकों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना है? तो लॉर्ड एक्टन, मैकाइवे, टॉकविले, ये जो है विरोधी मानते हैं, ठीक है, तो इनमें से तीनों जो है गलत हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पर पेश किया जा सकता है? तो केवल और केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा के सामान्य बहुमत से उसको हटा दिया जाता है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हीगल का कथन है, बहुत ही फेमस है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से? तो अनुच्छेद 51। तोहफात उल मुआहुद्दीन ये पुस्तक है राजा राम मोहन राय की। यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। इसमें एम श्रीनिवासन और मॉरिस जॉन्स, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अब क्लियर करके बाद में बताएंगे। आपको पता है तो आप कमेंट करिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति महाभियोग? तो अनुच्छेद 61 पर के अनुसार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति तो संसद को है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? कि किसी भी समय कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के माध्यम से कार्य रहित और पारदर्शिता, पारदर्शी, तो ये सभी सही हो जाएंगे। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है, ये मेटलैंड महोदय का है। सारे के सारे प्रश्न हमारे जो क्लास हैं उनके जो मैंने नोट्स भेजे गए थे, जिसने पढ़े होंगे वो अच्छी तरीके से ये क्वेश्चनों को देख भी रहेंगे, वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद 51 में है। विदेश नीति जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, हाँ बिल्कुल 51 में। हाफ का जो सामाजिक समझौता है उसमें जो संप्रभुता वो समझौते से ऊपर था, यानी सबके ऊपर काम करता था, उसके ऊपर कोई भी नहीं होता था। किसी पंचायत के समयावधि पूर्व होने से पूर्व यदि भंग कर दिया जाता है तो जो नई गठित होती है वो केवल शेष बचे हुए काम के लिए होता है।
उपयुक्त में से कौन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व नहीं है? तो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है इसमें संचित मध्य सीमित सब है, सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली नहीं होती है। राजनीति का संबंध समाज के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, ये डेविड ईस्टर्न महोदय का है। जनगण मन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब बनाया? 24 जनवरी 1950 को। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ 1909 में पार्लियामेंट ऑफ सुधार के द्वारा। संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा किया गया। निम्नलिखित कथन है उस पर ध्यान देना है। 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में जो है प्रभावी कमी देखी गई है, बिल्कुल देखी गई है। इसमें कह रहा है कि अधिकांश जो विधायिकाएं हैं बातों की दुकान में बदल गई हैं और रबर स्टैम्प की तरह काम करती हैं। तो रबर स्टैम्प की जो संज्ञा दी जाती है वो राष्ट्रपति को दिया जाता है, तो विधायिका को नहीं दिया जाता। तो ये सही है, इसमें से यार गलत हो जाएगा। कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया? BDMF, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इसमें बोडो सही हो जाएगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 42वां मौलिक कर्तव्य सही है, 52वां दल बदल बिल्कुल सही है, 73वां पंचायती राज बिल्कुल सही है, 84वां जो है केंद्र राज्य संबंध ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जन्म हुआ था 1885 में, अगर ये आप सही कर ले जाते हैं C का 4, तो तुरंत आपका जो है आंसर मिल जाता है, सी वाला सही हो जाएगा। बाकी आप जानते हो चाहे ना जानते हो, किसने विचार भी किया था जो ब्रिटिश संविधान है उसका अस्तित्व ही नहीं है? तो वो थे D. Tocqueville महोदय। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था, भारत की बात कर रहा है क्योंकि राज्यों में लागू हुआ था 1929 में, केंद्र में लागू हुआ था 1935 में, तो केंद्र वाली की बात करेंगे। कौन सा देश फार्क का सदस्य नहीं है? तो मॉरिशस ये फार्क का सदस्य नहीं है। या किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है? तो इस पर यफ़े लिखने के लिए दिया गया था, रूफो ने इस पर यफ़े लिखा था कि क्या कला और विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है कि नहीं कर दिया है। रूफो ने लिखा था, वहीं से रूफो फेमस हो गए, रूफो ने लिखा था हाँ भ्रष्ट कर दिया। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इस वर्ष से भारत में मान्यता प्राप्त विपक्ष ने नेता के कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, 1977 है। राज्य के आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये ग्रीन महोदय ने कहा था। मॉडर्न स्टेट के लेखक मैकाइवर महोदय हैं। संप्रभुता की कौन सी विशेषता है? विभाज्यता। तो संप्रभुता अविभाज्य होती है, विभाज्य नहीं होती है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को राष्ट्रपति ने किस तिथि को स्वीकृति? 9 अगस्त 2019 को। दल बदल ये आपकी 10वीं अनुसूची में है। कौन सम्मिलित नहीं है? तो गांधी इरविन समझौता, ये 1931 में हुआ था, 31 में, ये सही नहीं है। विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो लोकसभा स्पीकर करता है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में लिखी तो थॉमस जेफरसन द्वारा लिखी गई थी। निम्न में से एक को अहस्तक्षेप का सिद्धांत तो व्यक्तिवाद होता है। कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं था? अभिजन माने होता है इलाइट वर्ग, ये पैरेटो महोदय हो जाएंगे। दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है, तो FE Finer महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है ये एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है, संघात्मक का लक्षण नहीं है। राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए होता है और अच्छे जीवन के लिए विद्यमान रहता है, ये कथन भाई अरस्तु महोदय का है, बहुत फेमस है। पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक ये वाटरलिप मैन का है। कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है, ये मैन का कथन है। 1 को 2 फेमाइज करना था, तो यहाँ पर 1-2 अगर आप जानते होंगे, जैसे कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जानते हैं, बहुत फेमस है, HJ Laskey का है। ठीक है, मॉडर्न स्टेट पीछे आपको बताया गया मैकाइवर का है, तो अगर ये मैच कर ले जाते हैं तो फट से आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए विकासवादी सिद्धांत की मान्यता क्या है भाई? कि जो राज्य का विकास है वो मंद प्रक्रिया का परिणाम है, क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए, ये किसने कहा था? लास्की महोदय ने कहा था। निम्न में से कौन सा एक बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? तो ब्रिटेन में द्विदलीय है, USA में द्विदलीय है, चीन में एक दलीय है, फ्रांस में ही बहुदलीय है। डेविड ईस्टर्न ने जो व्यवस्था का सिद्धांत दिया है ये द पॉलिटिकल सिस्टम में दिया है। शक्ति भ्रष्ट कर देती है, पूर्ण शक्ति पूर्ण से भ्रष्ट कर देती है भाई, लॉर्ड एक्टर महोदय ने कहा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वितरात्मक न्याय ये जो है अरस्तु महोदय का है। किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो स्टालिन महोदय ने। ठीक है, एक देश में बात कर रहा है, ठीक है, तो स्टालिन महोदय ने अपने देश में समाजवाद जो है लागू किया था। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य की तुलना किससे किया जाता है? मैकियावेली से किया जाता है। उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक तो ये लॉक महोदय हैं, बहुत ही फेमस है। कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है? तो जनमत संग्रह, वापस बुलाना, रेफरेंडम,
और ये भी एक जनमत संग्रह लिखा है, इंग्लिश में इसका क्लियर होगा, संघात्मक संरचना ये नहीं है। तो निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं? तो वो होता है प्राकलन समिति। प्राकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और सारे के सारे लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। 249 के अंतर्गत अगर कोई राज्य सभा पर कानून बनाता है संसद, सॉरी राज्य की सूची पर, तो एक वर्ष के लिए मान्य होता है, ठीक है। कौन संविधान सभा के सलाहकार समिति का अध्यक्ष? यहाँ समिति पूछ रहा है भाई। संवैधानिक सलाहकार सब लोग जानते हैं बीएन राव होता है, लेकिन जो सलाहकार समिति बनी थी उसका अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में ले आओ चाहे राज्यसभा में ले आओ। सबसे पुरानी स्मृति तो मनुस्मृति है। डॉक्टर अम्बेडकर कितने गोल्ड मेज में? तो 3 गोल्ड मेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने भाग लिया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? तो 249। और ऐसा कानून 1 साल तक चलता है, जो कि ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित पुस्तकों में अगर हम लोग देखें तो मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस ये आर एच डहाल का है, और क्लासेज इन मॉडर्न सोसाइटी ये टी वी बोटोमोर का है। तो इस प्रकार से आप मैच कर लेते हैं तो बी वाला सही हो जाएगा, बाकी और आप लोग देख लीजिए। समाजवादी राज्य को क्या मानते हैं? सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। राज्य के जो राष्ट्रपति के निर्वाचन है उसके संबंध में कौन सी टिटियाँ हैं? तो निर्वाचक मंडल होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। बिल्कुल सूची पद्धति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं किया जाता है। संप्रभुता के अद्वैतवादी यानी कि एकलवादी सिद्धांत को कौन मानता है? वो ऑस्टिन महोदय मानते हैं। किसी मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद तब भी निलंबित नहीं किया जा सकता जबकि आपातकाल की घोषणा हो? तो है अनुच्छेद 20 और 21। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव तो ट्रिग्वे ली महोदय थे। राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, यानी कि बाधाओं के बाधा के रूप में राज्य काम करता है, ये किसने कहा था? टीएच ग्रीन महोदय ने कहा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो वह है दैवीय सिद्धांत, ठीक है। तो ये रहे पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन। आप लोग सभी लोग मिलाइए, फटाफट कमेंट करिए कि आपके कितने सही हुए, ताकि जो है उसी के आधार पर आपकी जो कटाफ कितनी जा सकती है वो आपका निर्धारित किया जाए, ठीक है। तो जितने भी बाकी भाई हमारी जो क्लास चल रही थी उसमें मैक्सिमम प्रयास किया गया, क्योंकि टाइम भी कम था, तो जितनी भी नोट्स दी गई उसमें से काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर मिली हुई हैं। तो बाकी आप लोग अगर तैयारी करते हैं फटाफट, आप लेकिन फ्री में हो रहे हैं, आप लोग कमेंट करिए। तो आगे हम लोग मेंस की भी क्लासेज स्टार्ट जल्दी से करें, तो आप लोग फटाफट मिलाइए और फटाफट कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।